हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सब फिर स्वागत चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक आता हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ये हमारा बेस्ट टॉपिक कह सकते हो, क्योंकि आजकल यही लोगों में चल रहा है। बहुत सारे लोग मॉन्स्टर फिश खरीदते हैं या फ्लोवान खरीदते हैं, कॉस्टली होती है, 1,500, 2,000, 2,500, इस तरह बेस्ट क्वालिटी की होती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक्वेरियम में जो है, एक्वेरियम शॉप में एक छोटी फ्लोवान कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, 100 रुपये में मिलती है। मैं वो आज लेके आया हूँ, 100 रुपये से ली फ्लोवान लेके आया हूँ। तो मेरा क्यों लेके आया, मेरा एक एम था कि हम लोगों को दिखाएं कि फिशेस को किस तरह ग्रो करते हैं। बड़ी फिशेस को ग्रो करके दिखाना हर कोई कर सकता है, लेकिन छोटी फिशेस से लेकर उसको बड़ा करके दिखाना, इसका रिजल्ट कैसा आता है, हाँ इसके लिए बहुत टाइम लगता है। मेरे हिसाब से 7-8 महीने लग जाएंगे इसको प्रॉपर एक शेप आने के लिए, एक है टॉप पॉपअप आने के लिए। तो कोई बात नहीं, हम इसको आज मैं लेके आऊँ 100 रुपये सली फ्लोवान, जो आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से ग्रो करते हैं, क्या क्या फीड करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस आते हैं। अगर कोई हॉबीज पैसा बचाना चाहता है, जिसके पास कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसके पास 2,000, 1,500, 3,000 पैसे नहीं रह पाते, जिसके कारण वो क्या करता है, वो फिशेस खरीदना छूट जाता है या फ्लावान रखने की आस रहती है लेकिन ले नहीं पाता। लेकिन हर एक्वेरियम शॉप में हर सीज़न में आपको एक फ्लावान मिल जाती है, छोटी होती है, 100 रुपये से मिल जाती है। मैं वो आज लेके आया हूँ, 100 रुपये में फ्लावान मिल जाती है वाली आपको। इसमें कलरेशन का कोई गारंटी नहीं रहता है, हेड का कोई गारंटी नहीं रहता है। इसमें ये गारंटी नहीं है कि हेड आएगा, इसमें ये गारंटी नहीं है कि इसका आगे जाकर ये मेल होगी, फीमेल होगी, क्या होगी, कुछ भी कुछ आइडिया नहीं रहता है। बस ऐसे ही 100 रुपीज़ में ये सेल कर देते हैं एक्वेरियम शॉप में, हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो ये मैं लेके आया हूँ, तो मैं अपने पास इसको रखूँगा, रखकर इसको बड़ा करूँगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या होता है आगे जाकर, उसको कितना टाइम लगता है ग्रो होने में, और क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो वो हम एक लर्न करने जैसा हो जाएगा, सीखने जैसा हो जाएगा। अगर मानो अच्छा रिजल्ट आया है तो एक अच्छा टॉपिक भी हो जाएगा आप लोगों को, और आपको एक चीज़ ही मालूम हो जाए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। मैं होप करता हूँ कि हम इसको मैक्सिमम अच्छा फूड देंगे, मैक्सिमम अच्छी फैसिलिटी देंगे। मैंने ऑलरेडी एक टैंक रेडी कर लिया है, इसके लिए स्टार्टिंग जो है पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक कि ये एटलीस्ट 2.5-3 इंचेस के ना हो जाए, तब तक इनके अंदर अग्रेशन नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, इतना ज़्यादा अग्रेशन नहीं रहता है। 2.5-3 इंचेस के या 2.5 इंचेस के या 2 इंचेस के होते तब जाकर इनको पार्टीशन लगाना पड़ता है। तो अभी हम विदाउट पार्टीशन 2 लगा के रखते हैं। मैं चाहता हूँ 1 भी लग सकता है, मैं चाहता हूँ 10 भी लग सकता है, लेकिन 2 लेके क्यों आया, 2 में से 1 एटलीस्ट सर्वाइव करेगी, आगे जाकर कुछ मेल फीमेल का इशू होगा तो एटलीस्ट 1 तो आ जाएगी। तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ 100 रुपीज़ वाली फ्लोवान। हम इसको अपने पास रखेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, कितना टाइम लगेगा और टाइम लगाने के बाद क्या होगा देखेंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, जो फ्रेंड है, उनके बहुत पुराने फ्रेंड है, उनका मैंने एक स्टोरी सुना था। उन्होंने एक फ्लोवान बाई किया था 2016 या 2017 की बात बोले, इतनी छोटी फ्लोवान थी, उन्होंने 100 रुपीज़ में उस टाइम मिलती थी, उन्होंने रखकर 3 साल तक उसको बड़ा किया था। 3 साल में इतनी बड़ी हो गई थी, मतलब समझो 10-12 इंचेस की हो गई थी। तो वो कह रहे थे कि मेरा ऐसा ऐसा, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या है। तो चलिए हम इसको इंट्रोडक्शन कर देते हैं, बाद में हम पानी में इसकी क्वालिटी वगैरह देखेंगे। और इस वीडियो के टॉपिक के बारे में आप क्या करना चाहते हो, मैंने सही सोचा या गलत सोचा, इससे आपको हेल्प होगा नहीं होगा ज़रूर हमें बताना। तो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटे फिशेस को लाकर हम फ्लोवान को बड़ा करके देखेंगे, चाहे 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए। अब हम अगर ये लाइव रहेगी तो अपने पास रखेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे, क्या फिट कर रहे हैं, क्या सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैं फिशेस को लेके आया हूँ, ये भी फिशेस लाया हूँ, ये बैसंद्रा जयनगर बैसंद्रा के पास जो एस अक्वा एक्जोटिक करके नाम है, वहाँ से लेके आया हूँ। यहाँ पर आपको हर प्रकार के फिशेस मिल जाते हैं, तो उनसे मैं खरीद के लाया है। तो 10 रुपये देखिए, अभी 10 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट्स के बाद हम फिशेस को ऐड करना है। फिशेस को मैं ऐसा निकाल लेता हूँ, पानी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिशेस को ही सिर्फ निकाल रहा हूँ। देखिए ऐड करने जा रहा हूँ फिशेस को, एक ऐड कर लिया और ये दूसरी भी ऐड कर लिया मैंने। अभी हमने फिशेस तो ऐड कर लिया, अभी हमारे पास क्वेश्चंस है कि इसको बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 3 चीज़ें हैं जिसे ज़रूरी है इसे देना। सबसे पहला फूड, फूड कौन सा देना होता है, जो नॉर्मल आप फ्लोवान के लिए फीड कर रहे हो वही फीड को, वही पैलेट्स को आपको क्रश करके बारीक करके डाल देना है, ताकि आसानी से पिकअप कर सके। या उसके साथ आप चाहे तो ब्लड वॉर्म्स, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है इनके लिए, ब्लड वॉर्म्स आप चाहे तो दे सकते हो। और दूसरी चीज़ चाहिए होगी इनके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगा इतना ये अच्छे से जो है सर्वाइव करेंगे। विदाउट ऑक्सीजन भी रख सकते हो, लेकिन हेल्थी ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। एक तो फूड हो गया, फूड आप चाहे तो जो गप्पीज के लिए आता है, जो छोटे छोटे बेबीज के लिए आता है, क्रश पैलेट्स आते हैं, वो भी आप चाहे तो इनको ऑफर कर सकते हैं, जो आर्टेमिया फ्लेक्स होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास आर्टेमिया फ्लेक्स है, स्पेशली गप्पीज के लिए दिया जाता है। आर्टेमिया फ्लेक्स जो है इस तरह के छोटे फिशेस को दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाता है। देखते हैं मैं ऐड करता हूँ, खाते हैं नहीं, हालांकि अभी नई फिशेस आई है तो डरी डरी रहती है, लेकिन पता नहीं खाएगी, लेकिन मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ। तो मैंने ये ऐड कर लिया है, तो देख सकते हैं ये ऊपर आके खा रही थी, अभी मैंने थोड़ा लाइट ऑन किया तो नीचे लगी, लेकिन अभी आके खाएगी। तो फूड तो हो गया, एक तो
उनको देना है प्रॉपर फूड, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई, और तीसरा वाटर मेंटेनेंस, क्योंकि अभी इसके अंदर फिल्टर इतना अच्छा नहीं है, और फिल्टर अगर आप स्पॉन्ज फिल्टर डाल दो तो चलेगा, अगर स्पॉन्ज फिल्टर नहीं है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इनको हफ्ते में दो बार जो है नीचे जो गंदगी फंसी रहती है, क्योंकि छोटे फिशेस हैं और छोटा पैलेट डालते हैं तो नीचे जाकर पैलेट बैठता है, जिसके कारण फिशेस को इन्फेक्शन हो सकता है, अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको हफ्ते में दो बार जो है इसका पानी चेंज करना है, जो गंदगी नीचे फंसी रहती है उसको निकालना है, और सिर्फ आरओ वाटर ही इस्तेमाल करना है, दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। आप ये चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि टीडीएस जो आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हो करते हो उसमें 300-400 टीडीएस होता है, जिसकी वजह से फिशेस काली पड़ जाती है, स्ट्रेस में पड़ जाती है, स्पेशली फ्लोवान के ऊपर इफेक्ट देखा गया है। सब जगह इसको आरओ वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरी फिशेज इस्तेमाल नहीं करते, सॉरी आरओ वाटर ही इस्तेमाल कर, दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखो तो ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएगी। बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए, बहुत टाइम चाहिए, टाइम बहुत लगेगा। जब इसको टाइम देंगे तो ये अच्छे से ग्रो होगी। हमें भी देखना है कि ये कैसे ग्रो होंगे, हमें भी देखना है कि इनका पोटेंशियल आगे जाकर कैसा होगा। तो फाइनली हमने ऐड कर लिया। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पता है मेरे दिन में आ रहा तो आपके दिन में भी आ सकता है, क्योंकि एक आम हॉबीस्ट को मैं जानता हूँ। आप सोच रहे हो कि इसके लिए लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग स्टेज में लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रह सकते हो, दिन में जो नॉर्मल सनलाइट वगैरह आता है वो चल जाएगा। अगर पूरा का पूरा रूम आपका अंधेरे में है, पूरी कोठरी अंधेरे में, तब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नॉर्मल सनलाइट दिन में आता है वो काफ़ी है। ये थोड़ा बड़ा होने देते हैं, बाद में आप 2-2.5 इंच पर उसके बाद आप लाइट डाल सकते हो, ताकि इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि लाइट की वजह से इसका इम्यून सिस्टम जो है फिशेस का, जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है लाइटिंग की वजह से, डे लाइट के इफेक्ट की वजह से। तो आज का टॉपिक इतना ही है, आने वाले दिनों में इसका अपडेट मैं दे दिया करूँगा कि कैसा इसका पोटेंशियल है, कैसा इसका ग्रो हो रहा है, और पैलेट्स फूड और ऑक्सीजन सप्लाई वाटर तीनों का ध्यान रख लेना। अगर आप भी ले रहे हैं तो मेरे साथ एक ले लेना, लेकर आप रख लेना, ये अक्वा एक्सोटिक में अवेलेबल है, जाकर ले लेना। छोटे साइज में 100 रुपीज़ मिलते हैं, इससे थोड़ी बड़ी आती है 200 की आती है, इससे थोड़ी बड़ी आती है 600 की आती है। जो भी आप लेना चाहते लेकर रखो अपने पास, धीरे धीरे हम ग्रो करके देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर एक नए टॉपिक साथ आते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।